इन कार्बोनाइल ग्रुप में। दूसरा रिएक्शन है सी डबल बॉन्ड ओ और बेटा हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर NaHSO3। स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है हम बढ़ रहे हैं NaR। NaR का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना। चलो तो इसका मतलब यहाँ न्यूक्लियोफाइल फाइंड करना है इसमें से, इसमें होने वाला एडिशन इसमें से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेट्स गो फाइंड करते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज। Na माइनस होगा कि HSO3 माइनस होगा, कॉमन सेंस है। Na माइनस कभी लिख नहीं सकते, डूब मरेंगे हम जिस दिन हमें ऐसा ख्याल आया माइनस है ना। फिर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? कोई डाउट नहीं किसी को भी, ठीक है। अच्छा और न्यूक्लियोफाइल C पे अटैक करेगा कि O पे? कॉमन सेंस, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। चलो फिर तो ये कार्बन जो है इस पे SO3H यहाँ अटैच हो जाएगा और C के अलावा O बाकी रहा, इसके पास N है। तो इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट। सोडियम बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट, समझ आ गया आपको? आई डोंट थिंक सो, इसमें आपको कोई डाउट होगा क्योंकि जो SO3H पार्ट है उसी पे अटैक कर रहा है और जो बाकी रहा Na वो अटैक कर रहा है O, तो O Na होगा। बट इफ यू रिमेम्बर हमने पढ़ा था कि O के पास H होना चाहिए तभी वो प्रोडक्ट स्टेबल है, ऐसा पढ़ा था हमने थ्योरी पार्ट में, है ना। तो यहाँ पे H प्लस ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म है उसके अंदर H ऑलरेडी है, तो हम H शिफ्ट करेंगे, H ट्रांसफर करेंगे हम। SO3 के पास जो H था O के पास आ जाएगा तो OH हो गया और ये Na ऊपर चला जाएगा। समझ आया H जो था ना SO3H के पास वो चला गया ऑक्सीजन के पास तो OH हो गया और SO3- के पास Na पे ये प्रोडक्ट। सर क्योंकि हमें स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। अच्छा हां OH बन जाएगा। हां OH मतलब फंक्शनल ग्रुप है। सर नहीं पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं है सर। NaHSO3 जो है ये वाला ग्रुप जो नहीं वो SO3Na वाला है ना। SO3 Na सोडियम बाय सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड है ये वाला SO3, ये बोल रहे हैं SO3 ये सोडियम सल्फाइड है। हाँ और सोडियम सल्फाइड कैसे आया? तो सोडियम बाय सल्फाइड से आया। सबसे पहले मेरी बात सुनो, SO3 माइनस टू का नाम सल्फाइट है, क्या है? सल्फाइट। और HSO3 माइनस वन का नाम है बाय सल्फाइट और हाइड्रोजन सल्फाइट। जब H लिखा हो ना तो उसको बाइसल्फाइट और हाइड्रोजन, जैसे पता है अपने सल्फेट बोलते हैं, फिर बोलते हैं हाँ हाइड्रोजन सल्फेट और बाइसल्फेट, सल्फाइड बाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। बस बहुत ज्यादा हो रहा है, धीरे धीरे कंफ्यूजन हो जाएगा, रह तो अभी याद रखो SO3 जो है SO3 This is sulfite, but HSO3 है, तो सोडियम क्या है? ये क्या है? सोडियम बायो बाय में लिखना तो क्या लिखोगे? हाइड्रोजन सल्फाइट। क्लियर है बेटा? बड़ा सिंपल। तो ये बना कैसे, क्या होगा? ये बन गया और क्या, क्योंकि मैंने कल आपको पढ़ाया था, बताया जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका कुछ ना कुछ यूज होना चाहिए, ऐसा मैंने पढ़ाया था। तो इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे ना, क्या करेंगे हम? तो ये बनेगा। तो रिएक्शन क्यों किया हमने? यही तो बन रहा है। अरे ये पहले इंप्योर था, अब जब बनेगा तो कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब ये हमने क्यों डाला इसके अंदर? ये इंप्योर था, प्योर करने के लिए। तो एग्जाम में पूछेंगे कार्बोनाइल ग्रुप को प्योर करना है, इधर इधर कार्बोनाइल ग्रुप को प्योर करना है तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? एग्जैक्टली सोडियम बाइसल्फाइट। तो याद रखो दिस रिएजेंट इज यूज्ड फॉर purification and separation। ये रिएक्शन में क्यों किया पता होना चाहिए हमें,
मजा आ रहा है इसलिए नहीं, मजा ऐसे नहीं किया प्योरीफाई करने के लिए, कार्बोनिल कंपाउंड को प्योरीफाई किया, कार्बोनिल कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए हम कर रहे हैं रिएक्शन। बोल रेडी ग्रेट। कल हमने जो रिएक्शन पढ़ा था HCN वाला, वो लैक्टिक एसिड बनाया था उससे हमने, उससे हमने बनाया था अमाइडो लैक्टिक एसिड और अमाइनो, है ना, जिसके बहुत सारे यूजेस जरूरी नहीं थे इसलिए बनाया हमने। आज हमने रिएक्शन किया क्योंकि मजा आ रहा है पहली बार, दूसरी बात क्योंकि सिलेबस में, और तीसरी बात क्योंकि हमें प्योरीफाई करना है और क्या करना है, सेपरेट करना है इसलिए। क्लियर, दैट्स ग्रेट। थर्ड रिएक्शन नेक्स्ट, सी डबल बॉन्ड ओ, अब ऐड कर रहे हैं ROH। चलो बेटा फाइंड क्या करेंगे ROH में से, न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल OH, RO भी तो है, आपने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो RO माइनस फॉर्म हुआ और H प्लस, और आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो R प्लस और OH माइनस, इस केस में न्यूक्लियोफाइल कौन है, RO माइनस, और इस केस में OH माइनस, तो हम ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। अब क्वेश्चन आया क्यों, क्योंकि ये अल्कोक्साइड आयन है और ये हाइड्रोक्साइड आयन है, अल्कोक्साइड आयन में R है और R डोनेट करता है, डोनेट करेगा ऑक्सीजन ऑलरेडी माइनस है और डोनेट करेगा और माइनस बढ़ेगा, तो जितना माइनस ज्यादा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, और यहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहे हैं, तो अगर न्यूक्लियोफाइल रिच होगा मतलब उसके पास माइनस से बहुत ज्यादा होगा तो अटैक डोमिनेंट होगा ना, रिएक्शन फास्ट होगा जितना चार्ज ज्यादा होगा। सो याद रखेंगे अल्कोक्साइड्स आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन हाइड्रोक्साइड, दिस इज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ RO माइनस अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, सी पे करेगा, वो तो न्यूक्लियोफाइल तो सी पे अटैक करेगा, अच्छा सी पे OR अटैक कर रहा है, ये OR ने अटैक कर दिया सी पे, तो के पास कौन आ गया, कोई डाउट है यार, आगे और एल्को डालेंगे क्यों, अगेन ये यूजलेस होगा इसलिए, ठीक आगे और डालेंगे ROH, अच्छा ROH में से न्यूक्लियोफाइल कौन है, अगेन बोलो वही जो आगे लिखा था, तो RO माइनस के अलावा क्या बाकी रहा, और यहां क्या है, क्या निकल गया, और ये C के पास एक OR तो था बेटा, दूसरा OR आ गया, अच्छा ओवर मतलब कौन सा ग्रुप, इधर कितने इधर है यहाँ पे, दो, हाँ दो इधर एक साथ कार्बन पे हो, तो कल ही हमने पढ़ा था इसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड ऐसे का ऐसा पढ़ा था, चलो अल्काइन में हमने एल्कोहल डाला था तब पढ़ा था ऐसे था, और कैटाल कैटाल कल नहीं पढ़ा था, कैटा लास्ट टूला दो लेक्चर के पहले वाला लेक्चर तब पढ़ा हमने, और ये तो हम कल नहीं उसके पहले का लेक्चर कॉम्पेंसेट कर रहे हैं अभी हम, तो कल का लेक्चर तो पता नहीं कहाँ गया, अच्छा अच्छा आगे रिपीट करता हूँ, एक कार्बन पे दो इथर जब होंगे है ना, तो एक कार्बन पे सेम फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं जेमिनल, याद है आपको ये वर्ड, और एक वर्ड विसरल था, हाँ तो विसरल मतलब नेबरिंग कार्बन पे सेम एटम्स होंगे दैट इज विसरल, और एक ही कार्बन पे सेम एटम्स होंगे दैट इज, तो दिस इज जेम डायऑक्सी ग्रुप, माय गॉड जोरदार, सर कहाँ से ला रहे हो, सर कहाँ से आ रहे हैं, केमिस्ट्री बेटा ये सब फिजिक्स नहीं है, हाँ जेम डायऑक्सी ग्रुप,
इसको हम क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, तो टाल, टाल नहीं, आल, एसिट आल। ऑब्वियसली ये मजाक करने के लिए लिखा मैंने, ऐसा नहीं आप बोली तो और तो मैं लिखूंगा यार जरा, बाकी सब लिखूंगा मित्र मेरे सब। चलो ये आर का नाम क्या है, तो अल्काइल आल बोलेंगे, जैसे यहां CH3 होता तो क्या लिखते, मिथाइल आल, मिथाइल लाल नहीं, मिथाइल आल, ठीक है ना। लिखो फिर बेटा, मिथाइल आल, नहीं। चलो एक स्टेप में समझाता हूं इसमें से लाइनें कैसे बनेगा, एक स्टेप में, ये लंबा मेथड देखो, क्यूट मेथड लिखो, CM, CM का फुल फॉर्म याद रखना, बेटा के भूल बता, क्यूट मेथड। चलो आप देखो, कार्बोनाइल ग्रुप हमने पूरे रिएक्शन में कितनी बार लिया हुआ है, एक ही बार यूज किया ना इसको, एल्कोहल कितनी बार लिया हमने, तो मैं एक साथ टू आर ओ एच लिख दूं ऐसे, आर ओ एच ऐसे लिख दूं, आप लोग अलाउ करो तो लिखूं, थैंक यू सो मच। अब सही मुहूर्त देख के इसमें से दो एच निकाल दो और इसमें से एक ओ निकाल दो, क्या निकल गया, H2O। ये सी दिख रहा है बेटा, ओ आर दिख रहा है, ये दिख रहा है ओ आर, बेटा बन गया, लो मजे करो। क्यूट मेथड लिखा है, क्यूट इसीलिए तो है, जल्दी हो गया, शॉर्ट मेथड है ये, ऐसे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कर सकते हो, गुजरात बोर्ड और सीबीएसई में नहीं कर सकते हो। सीबीएसई में पूछा राइट रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोनाइल ग्रुप, यू राइट लाइक दिस, डोंट लाइक दैट लाइक दिस, अदरवाइज यू विल गेट क्यूट मार्क्स लाइक 0, यस यू वोंट गेट 3 आउट ऑफ 3, यू विल गेट 0 आउट ऑफ 3, क्यूट मार्क्स 0, यस। सो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्यूट मेथड, डायरेक्ट एक्स को निकाल दो, खत्म, बोलो क्लियर के ब्लर, ग्रेट। नेक्स्ट क्या बेटो, हाँ हाँ इसका इसका भी नाम है, चलो दोस्तों इधर आओ, ये ऐसे डाले, क्या लॉजिक था ऐसे डाल लिखने का, एक कार्बन पे दो इथर ग्रुप होंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, तो एक कार्बन पे कितने इथर है यहाँ पे, हाँ तो लिखूं आधा एसिड अल, अच्छा आधे को हैमी बोलते, क्या बोलते हैं, हाँ तो लिखो हैमी एसिड अल, हैमी का मतलब हाफ होता है, हाफ ना समझे तो लिखो ए ए डी एच ए आधा, क्या बेटा, क्योंकि यहाँ पे अगर R की जगह CH3 होता, हाँ ऋषभ तो ऋषभ लाल, और कुछ है डाउट तो पूछ लो बेटा, पैसे दिए आपने फ्री में थोड़ी पढ़ रहे हो, ये तो मैं परिवर्तन में बोलता था, गाली गाली बोलती, सॉरी हाँ देखिए। चलो बोलो वट आउट, ग्रेट। नेक्स्ट अब लिखो फोर्थ, फोर लिखो यहां पे, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे RMGX, RMGX पढ़ा था हमने, याद करो क्या है RMGX, RMGX
आर एम जी एच लिखो पहले आप, लिखा आपने। अच्छा आर का नाम अल्काइल है, एम जी का नाम मैग्नीशियम, एक्स का नाम हैलाइड है। बोलो लिखो नीचे नाम लिखो, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इन्वेंट किया था ग्रिगनार्ड ने, इसीलिए रीजन का नाम है ग्रिगनार्ड रीजन। डरो मत बेटा, डरना मना है, माउंटेन ड्यू पी लो। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इसका इन्वेंशन किया था ये गधेड़े। तो याद रखना आर एम जी एक्स का नाम है। एक क्वेश्चन नीट में, जेनरली में, गुजसेट में, सीबीएसई गुजरात बोर्ड, एक क्वेश्चन इससे होता ही है, पर इसके टोटल 35 एक्शन है सिलेबस में ग्रिगनार्ड रीजन। अभी मैं 3 पढ़ा रहा हूँ, 30 अभी मैं 3 पढ़ा रहा हूँ, 30 बाकी। नाइस, मैथ्स आपका अच्छा है, आपका बायो फिर भी आपका अच्छा मैथ्स है। 35 - 3 = 32 वाओ। अच्छा ओ दिस इज मैथ्स, ओके। तो ऋषभ बताएगा, ऋषभ वन बाय वन क्या होता है? वन ही होता है ना सर। अच्छा मैंने कल या परसों पता नहीं कहीं कोई ट्यूशन में कहीं पढ़ा रहा था, मैंने लगा वन बाय वन, तो बोले वन वन पर क्या जीरो खत्म। या वाओ यस, आते ना संडे को आधे डिस्कशन की थी। 1 5 3 by 5 5 5 1 3 ओवर, सो इजी मैथ्स, एस्ट्रो मैथ्स। अच्छा लेट्स गो अगेन, आर एम जी एक्स, आर का नाम क्या है अल्काइलो, एम जी मतलब मैग्नीशियम, एक्स मतलब किसने इन्वेंट किया था, इसलिए नाम है ग्रिगनार्ड रीजेंट, क्योंकि ग्रिगनार्ड ने इन्वेंट किया था। ठीक है चलो, फ्रस्ट्रेटेड था बेचारा, घर पे मार खा के गया लैब में, इन्वेंशन कर दिया। चलो बेटा हमारा काम क्या है, इसमें से क्या फाइंड करेंगे हम? हाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे? ओ चलो, Mg कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? टू, मतलब प्लस टू चार्ज हुआ। चलो X का चार्ज, टोटल चार्ज प्लस वन, तो R का चार्ज माइनस वन ही होगा यार। तो MgX को हम लिखते हैं प्लस और R को हम लिखते हैं माइनस, इन दोनों के चार्ज को मैंने क्लब कर दिया, समझे आप? तो याद रखेंगे ग्रिगनार्ड में न्यूक्लियोफाइल कौन है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलो आशीष, आर कहाँ अटैक करेगा? सी और ओ, वेरी गुड। चलो तो सी जो है उधर हम लिखेंगे आर, और ओ के पास क्या लिखेंगे दोस्त? यस ओ एम जी एक्स, पर ओ के पास क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली, तो इसे हम डालेंगे पानी। पानी में ऑलरेडी H+ प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, तो ये O के साथ है ना, ये H कनेक्ट हो जाएगा, OH हो गया देखो, और MgX के साथ क्या अलग हो गया? बोलो क्लियर? यस सर, वेरी गुड। लिख दो और कोई डाउट है तो मुझे पूछो, क्योंकि इसमें दो तीन और तीन रिएक्शन लिखेंगे। इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड होगा। यस, जरूरत नहीं है, बाय प्रोडक्ट के बारे में नहीं पढ़ते, चाय बनाते हैं चाय पीते हैं, चाय के अलावा जो बचा उसके बारे में नहीं पढ़ते, स्टडी जरूरी नहीं है, बाय प्रोडक्ट के बारे में नहीं स्टडी करते, प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करते। बोलो कोई डाउट है? अच्छा ये क्या क्या फॉर्म हुआ, ये कौन सा ग्रुप है? गुड, एल्कोहल के चाय तीन होते हैं पता है ना। अब आप लोग थोड़ा सोचो और मुझे बताओ, इफ यू नीड टू प्रिपेयर प्राइमरी एल्कोहल, सो विच सबस्ट्रेट शुड टेक इट फर्स्ट, कौन सा सबस्ट्रेट लेंगे हम तो प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म होगा? To prepare primary alcohol, we need to start a reaction with a substrate. Which substrate? कौन सा substrate से start करना है? So that we, you know, we get primary alcohol here.
What is the general structure of primary alcohol? OH. Primary alcohol. OH मतलब alcohol. अगर OH बेटा CH2 से connected है तभी वो primary है ना. Primary alcohol का मतलब OH जिस carbon से connected है वो एक ही carbon से connected होगा, मतलब एक ही dash होगा. अच्छा सेकेंडरी का मतलब OH CH से कनेक्टेड होगा क्योंकि CH 2 R से कनेक्टेड होता है. और टर्शियरी का मतलब OH C से होगा ना, तभी तो तीन ग्रुप आ सकते हैं यहाँ. सो प्राइमरी एल्कोहल का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? एग्जैक्टली, वेरी गुड. याद रखो जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप CH2 से कनेक्टेड है तो वो प्राइमरी है, CH से कनेक्टेड है तो, और C से कनेक्टेड है तो. बट्टा मारो याद रखो, बहुत सिंपल फंडा है. आई डोंट थिंक सो इसमें कोई डाउट हो सकता है. है तो बताओ फिर. किचन यहाँ है, किचन में बहुत सारी चीजें पड़ी जो मारने से लग सकती है कहीं पे भी, तो पता मुझे नहीं समझ आया. मतलब मैं तो खाली बता रहा हूँ, डरो ना. मटका भी है, केला भी है, आया भी. ओ माय गॉड, कितनी सारी चीजें हैं. चप्पल है वो. मतलब यहाँ OH ठीक है, फिर क्या लाना है? CH2 मतलब यहाँ क्या होना चाहिए? दोनों जगह ऐसे होना चाहिए ना, क्योंकि R तो है ही ऑलरेडी इधर, OH भी है इधर, CH2 नहीं है, C है, दो H लाने पड़ेंगे. सो कौन सा सब्सट्रेट लेंगे बताओ, इधर क्या लिखना पड़ेगा? कम ऑन. हाँ मतलब क्या? HCHO. वेरी गुड. क्या नाम है एल्डिहाइड का? HCHO बेटा. CH2 बेटा हेलो जल्दी. Yes, good. Methanol. किसके नाल? Formaldehyde बेटा. अभी भी समझ नहीं आया? ऐसा नहीं, ये कैसे हम मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे एच जाएगा, ये समझ आया? क्यों कैसे क्यों एच लेंगे हम? क्योंकि प्राइमरी के स्ट्रक्चर में R CH2OH होता है, तो R तो यहाँ ऑलरेडी है, OH भी है, R है, OH है, CH2 लाना है, C है, दो H लाने पड़ेंगे. कॉमन सेंस क्लियर है? तो याद कर लो, अगर आपको कार्बोनाइल ग्रुप से प्राइमरी एल्कोहल बनाना है तो सबस्ट्रेट फिक्स है भाई. क्या है सबस्ट्रेट? एग्जैक्टली, वेरी गुड. समझ आ रहा है? अच्छा अगर मैं कुछ भी लूंगा R, कुछ भी लूंगा, जैसे मैं R ऐसा ले रहा हूँ, ऋषभ डरना मत बेटा, हाथ पकड़ लेना दीप का, डर लगना. अच्छा सुनो ये क्या है? मीथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड. अच्छा हमने यहाँ कंफर्म कर लिया, मीथेनॉल अगर लेंगे तो यहाँ प्राइमरी एल्कोहल बनेगा. अच्छा प्राइमरी एल्कोहल का जनरल स्ट्रक्चर क्या है? एग्जैक्टली, CH2OH. तो ये क्या होगा? तो ये वही होगा जो ग्रिग्नार्ड में R होगा. ये ग्रिग्नार्ड में R कौन है? ये रहा हमारा प्रोडक्ट. ऐसा एग्जाम में पूछते हैं. ये मैंने दूसरे तरीके से पढ़ाया रिएक्शन, अभी ये मैंने अलग तरीके से पढ़ाया था, ये मैंने तरीका चेंज कर दिया. इसमें हमने रिएक्शन नहीं किया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया, क्योंकि हमें पता था कि मीथेनॉल लेंगे तो प्राइमरी एल्कोहल बनना है. अच्छा प्राइमरी एल्कोहल में आपने देखा ये आर कहाँ से आ रहा है, ये एल्कोहल में आर कहाँ से आया, इसमें दोनों में से कहाँ से आया? आर ग्रिग्नार्ड से आया ना, तो इसलिए तो हमने ये आर से यहाँ ज्वाइन कर दिया. तो समझो ये कैसे हुआ, देखो मैं समझाता हूँ. जरा ये क्या है? ये ओ एच हो गया, CH2OH. और ये क्या है? ये रहा. तो MgCl किसको लेके भाग गया? हाँ तो वो तो वही वहां पे ये हो रहा था ना, MgOHX. देखो अब ऊपर, हां हां, यस वाओ, एक स्टेप में खत्म. सी वो हैलोजन में एक्सप्लोर ही ना. तो याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है ये, के टू प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल व्हिच कार्बोनिल ग्रुप शुड बी टेकन. कौन सा कार्बोनिल ग्रुप लेंगे? फॉर्मल्डिहाइड. रट्टा मार दो, मीथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड.
इस साल का क्वेश्चन है, गुजरात बोर्ड का क्वेश्चन है इस साल का, सीबीएसई में बहुत बार पूछते हैं इसको फ्रिक्वेंटली। पर पहले तीन रिएक्शन लिखूं फिर मैं आपको क्वेश्चन करा सकता हूं। पहले आप अच्छे से समझ लोगे, प्राइमरी हेल्पर बनाने के लिए मिथुना लेना पड़ेगा। चलो बेटा थोड़ा सोचना है आपको, आपको पूछ रहा हूं, देखो इधर, अगर इस रिएक्शन से सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है तो वहां क्या क्या लेना पड़ेगा? इधर वेरी गुड, एल्डिहाइड। देखो इधर सेकेंडरी एल्कोहल का स्ट्रक्चर ये रहा, इसको इससे कंपेयर करो, OH है इसमें, हाँ C के पास कितने R है यहाँ पे? दो। डैश मतलब R यार, समझो आप। अच्छा OH है यस, C के पास एक R है, एक R तो यहाँ पे भी है, तो C के पास एक क्या बाकी रहा? H और एक R, तो यहाँ पे एक R और एक H, तो यहाँ पे एक R और एक H, हाँ तो यहाँ पे एक R और एक H, तो यहाँ पे एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। कौन सा एल्डिहाइड? कोई भी एल्डिहाइड, बट मीथेना मत लेना वरना दो एच हो जाएंगे, दो एच हो गए तो सी एच टू बन जाएगा, सी एच टू मतलब तो इसका मतलब मीथेनॉल के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लोगे आप तो यहाँ कौन सा एल्कोहल बनेगा? हाँ समझ गए, वेरी गुड। चलो तो लिख देते हैं, चलो आर सी एच ओ प्लस सी एच थ्री एम जी सी एल और पानी डालेंगे। R C H ये दिया मैंने, O के साथ कौन आ जाएगा? H, और ये क्या है? CH3। देखो ये सेकेंडरी से मैच कर रहे हैं, कर रहे हैं OHCH, हाँ हाँ, प्लस ये MgCl कौन लेके भाग गया? तो क्या आ रहा हो गया? MgOH। बोलो क्लियर? चलो देख लो अभी पहले, फिर आराम से लिखो। अब हाँ देखो, देखो अब ये बनाना है अपने को, ये बनाना है तो इसको यहाँ कंपेयर करो, वो है यहाँ पे, हाँ है एक आर है, हाँ है, तो दो वैलेंसी में क्या लेना पड़ेगा? अच्छा अगर यहाँ आर आर लेंगे तो कौन सा ग्रुप हो गया ये? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो कीटोन लेंगे तब कौन सा एल्कोहल बनेगा? मीथेनॉल लेंगे तो, और मीथेनॉल के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो, वेरी गुड, रट्टा मार दो, मीथेनॉल से प्राइमरी एल्कोहल, मीथेनॉल के अलावा एनी एल्डिहाइड, मीथेनॉल के अलावा जो भी एल्डिहाइड है उसका एक पर्टिकुलर नाम है, सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड। क्या नाम है? हाँ, तो मीथेनॉल से प्राइमरी एल्कोहल, सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड से सेकेंडरी एल्कोहल, और कीटोन से, वेरी गुड ग्रेट। अब कॉपी कर सकते हो, कुछ भी सब आर है, आर राहुल नहीं है, आर अल्काइल ग्रुप का सिंबल है, जनरल सिंबल। हाँ हाँ गुड, चलो चलो गए बेटा, आपसे बाकी लिखो आराम से, विश्व में इतना बड़ा ग्लास भरा ना, पानी खत्म नहीं होगा। ये लाइट की स्विच कहाँ है दोस्त? इधर शानदार, मैं अच्छा देखूंगा ना वीडियो में। हाँ ऐसा रूप ना, CH3 COH, ये फॉर्म हो ना, हाँ गुड वेरी गुड, ये फॉर्म होगा।
टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका नाम है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जो मिथाइल प्रोपेंटूल इसका नाम है, टू मिथाइल नहीं टू मिथाइल, टू मिथाइल प्रोपेंटूल, टू मिथाइल प्रोपेंटूल, और दूसरा नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी बीए। चलो दोस्तों लास्ट रिएक्शन एडिशन का, लास्ट रिएक्शन विद अमोनिया एन एच, टाइटल बोलो नंबर बोलो, ग्रिगनर कौन सा नंबर फिफ्थ है। देखो रिएक्शन विद अमोनिया एंड उसके बाद जे एन एच डेरिवेटिव्स, लेट्स गो। क्या हुआ क्या हुआ, कुछ स्किप कर दिया मैंने तो ऐड कर दिया। रिएक्शन विद NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव्स, लेट्स गो। तो NH3 के अंदर बेटा हमें क्या फाइंड करना है, न्यूक्लियोफाइल, सिंपल। चलो एक काम करते हैं, इसमें से एक H+ को निकाल देते हैं, तो क्या बाकी रहा बेटा, हाँ सिंपल, तो C+ पे कौन अटैक करेगा, NH2 minus, और O- पे कौन अटैक करेगा, सिंपल। तो C यहाँ पे OH और यहाँ पे NH2, मतलब NH2, easy, great। चलो next, NH3 जो था अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, उसमें से NH2 अलग कर दिया मैंने, ठीक है, और एक H+ अलग कर दिया, ये NH2 को हमने रिएक्शन करवाया इसके साथ, C के साथ, तो C के पास NH2 आ गया, और O के पास यहां से H, तो OH हो गया। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से क्या निकल जाएगा, ये क्या है पूरा ग्रुप OH, और यहां से एक H निकाल दो, क्या निकल गया H2O, यहां बाकी रहा C डबल बॉन्ड NH, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, H तो ठीक है वो तो यहां चेंज करेंगे, डबल बॉन्ड क्या बेटो, हां देखो OH निकल गया यहाँ से, यहाँ से क्या निकल गया, तो बॉन्ड तो शिफ्ट हुआ, और कार्बन का वैलेंसी कितना है, तो ऐसे देखने में हमें शर्म नहीं आएगी, ये लॉजिक थोड़ी है, शर्म आएगी लॉजिक ये वाला, ऑक्सीजन OH निकल गया। तो वैसे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, मैंने मैकेनिज्म पढ़ाया नहीं आपको, डायरेक्ट बता दिया, मैकेनिज्म रहने दो, 12th में पढ़ेंगे। अब इतना याद करो ना, सिंपली सुनो, इसमें से है ना देखो, इधर से दो H निकालने, क्या निकालना है, और यहाँ से O, क्या निकल गया H2O, अच्छा O निकल गया तो क्या बाकी रहा, C डबल बॉन्ड, दो H निकल गए तो क्या बाकी रहा, ये तो रहा, समझे आप, ये तो हमने एक एक स्टेप में लिखा, बाकी डायरेक्ट H2O निकाल दो तो डायरेक्ट बन जाएगा, वो OH निकला हम जो बॉन्ड है उसे शिफ्ट नहीं करेंगे तो फ्रॉम जाएगा रिएक्शन, क्या ऐसा लिखेंगे तो, नहीं ऐसा नहीं, वो जो OH निकला जो बॉन्ड है कौन सा OH के, हां ये बॉन्ड है, हां उसको ऊपर शिफ्ट नहीं करेंगे रिएक्शन ना हो जाएगा, मतलब ऐसा लिखेंगे तो, और सी कैसे बॉन्ड नीचे बनाते तो बॉन्ड, मतलब ऐसा लिखेंगे तो बोल रहे थे, ऐसा नहीं सर, अरे ऐसे लिखेंगे ऐसे, हां तो रिएक्शन कर देना ऑब्वियसली, ये कार्बन की कहानी अधूरी नहीं रह जाएगी, इमरान हाशमी हो जाएगा, हमारी दुनिया कौन है भाई, आर 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 देख के आया मूवी, इसलिए आर याद आ रहा है, गली गली देख ली, यहां पे आर का मतलब अल्काइल होता है, वो नहीं होता, तो हमारे अधूरी गाने में होनी चाहिए, हमारी गाने पूरी होनी चाहिए, लाइक कैटरीना कैफ एंड जी कौशल डबल बुल गदल। चलो तुम्हें याद है ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इमाइन, नॉट अमाइन, याद रखो अमाइन के लिए NH2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक एच कम है तो इमाइन, नाम चेंज हो गया, और अगर एक एच और कम हो जाए और ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो नाइट्राइल हो गया, साइनाइड हो गया, केमिस्ट्री जोरदार है ना,
हाँ हाइड्रोजन कम है ज्यादा है नाम चेंज हो जाता है ऋषभ जोरदार क्यों अगेन NH2 मतलब अ माइनस NH मतलब फिर क्या है दूसरा वो स्टार्ट करेंगे तो एडिशन खत्म होगा छह रिएक्शन छह लेक्चर छह लेक्चर नहीं हुए हमने स्टार्ट कब किया संडे ये पागल है तू पिछले संडे सर हाँ पिछले संडे बता नहीं बहुत छह छठा लेक्चर नहीं संडे मंडे चलो हाँ ये छठा चल रहा है अब इसके क्या ऐड करेंगे अमोनिया से रिएक्शन हो गया आप क्या ऐड करेंगे उसके चलो डेरिवेटिव में सबसे पहला डेरिवेटिव है ओ माइनो लिखो C डबल बॉन्ड के अंदर मैंने ऐड कर दिया अमाइन रिएक्शन क्या होने वाला है मैंने आपको बता दिया नाइट्रोजन के जो भी डेरिवेटिव्स हैं उसमें से दो हाइड्रोजन निकालो और यहां से एक ऑक्सीजन एलिमेंट करो H2 एलिमेंट हाँ H2 एलिमेंट हो गया और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देता ये रिएक्शन है ना हम एडिशन में पढ़ रहे हैं बट ये एलिमिनेशन भी है सो दिस इज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन बाय न्यूक्लियोफाइल NAERR स्पेशल केस है ये सिलेबस में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है ओनली एक ही है NAER मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन वाओ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ओह ग्रेट तो अगर आपको कोई पूछे एडिशन और एलिमिनेशन क्या हो रहा है तो उसे कार्बोनाइल ग्रुप जब अमाइन और उसके बच्चों से बच्चों डेरिवेटिव से रिएक्शन करेगा तो एडिशन भी होगा और एलिमिनेशन भी होगा एडिशन होगा और बाद में पानी निकल जाएगा तो उसको बोलेंगे एलिमिनेशन क्लियर ग्रेट चलो यहां से दो एच निकालो यहां से ऑक्सीजन निकालो सी डबल बॉन्ड बाकी रहा ओ निकल गया एच टू निकल गया क्या बाकी रहा इसमें और इसमें क्या फर्क है H हमारे यहाँ है, तो H क्या हो गया? Substituted हो गया ना? तो we'll write substituted amine. This is called substituted amine. क्या लिखेंगे? तो एक ही बात है, सिर्फ क्या नहीं जो बोला? क्या? इसका नाम अगर लिखना है ना, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे. जब इसको इससे कंपेयर करेंगे, so we'll come to know कि H नहीं है, H की जगह क्या है? R. तो H क्या हो गया? Substituted हो गया ना? तभी तो आ रहा है तो इसीलिए एमाइन हो गया सब्स्टिट्यूट क्लियर है अभी और बहुत सारे चलो लिखो C डबल बॉन्ड हो NH2OH इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एलिमेंट क्या हुआ ध्रुवी ध्रुव बोलने का ऋषभ की तरह रहने का कुछ भी मतलब सॉरी बोलने ऐसा नहीं है सच में ऐसा बुरा मत लगाना कुछ भी मतलब बोलते रहने का ऐसा मैं ऐसा बोलना चाह रहा था तो मैं गलती से बोला कुछ भी बोलते रहने का ऐसा नहीं चलो ये क्या है हाइड्रोक्सिल एमाइन H2 निकल जाएगा इधर लिखना है H2 मैं लिखा नहीं इधर H2 लिखा बोला H2 निकल गया बाकी रहा C डबल बॉन्ड नाम इसका ये नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड ओके अंदर ऐड करेंगे एनएच टू एनएच टू ऋषभ नाच टू इसका नाम है हाइड्रोजीन चलो क्या निकल जाएगा H2O, C डबल बॉन्ड NNH2, इसका नाम है हाइड्रेजोन हाइड्रेजीन से बनेगा हाइड्रेजोन हाइड्रेज तो है देखो जिन का जोन हो गया हाँ बड़ा सिंपल है INE से ONE हो गया नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O
अब हाइड्रेजिन से मैं एच निकाल देता हूं और वो एच निकाल के हम लिख रहे हैं बेंजीन, इसका नाम है फिनाइल हाइड्रेजिन। बोलो क्या होगा रिएक्शन में? एग्जैक्टली मैंने बोला ना, अमोनिया हो ना या कोई भी डेरिवेटिव हो, हाइड्रोजन यहां से निकालना है आपको और यहां से ऑक्सीजन, तो जोड़ दो इसको C डबल बॉन्ड N NH, और नहीं लिखना तो C6H5 लिख दो। नहीं नहीं नहीं, मजा था ड्रॉ करने में बेटा? गुड, ये की चीज मजा है ड्रॉ करने। अच्छा कलर वाले लाभ में कलर करो फिर सर। नहीं नहीं सर, इसे क्या हुआ? अच्छा इसका नाम बताओ बेटा। यस फिनाइल हाइड्रेजोन, ध्रुव ने बोला स्टार्ट कर दिया, तो जब ध्यान रखना सर। आप इस ऊपर की क्या मत करिए, क्या बैठो सिंपल सा और एक स्ट्रक्चर ऐड करेंगे, बहुत सिंपल है। नहीं क्या है? सुन तू पहले ये ड्रॉ कर दे, ये ड्रॉ कर दे। अच्छा इधर है ना NO2 लिख दिया, NO2 O2N लिखना है, O2N मतलब NO2 और इधर NO2, 2 पे है NO2 और 4 पे है, ठीक है? इसका नाम है 2,4 डायनाइड्रो फिनाइल हाइड्रेजीन, शॉर्ट फॉर्म लिख दो 2,4-DNB। अरे यार आएगा फिनाइल हाइड्रेजीन है ये, तो फिनाइल हाइड्रेजीन हो गया, डायनाइट्रो हो गया ना, 2,4-DNB फिनाइल हाइड्रेजीन। मान लेता हूं चलो बोलो क्या बनेगा इधर, तुम्हें बोलना थोड़ा तो लिखा भी है लास्ट में पढ़ा था मैं, 2,4-DNB फिनाइल हाइड्रोजन। क्लियर के ब्लर? ब्लर चलो अमोनिया का लास्ट रिएक्शन। तो फिर 2,4-DNB ही है, 2,4-DNB फिनाइल हाइड्रेजोन और ये 2,4-DNB फिनाइल हाइड्रेजीन। क्या हुआ दीप? बोल बेटा। सेमी कार्ब एजाइड क्या निकाल दोगे? H2 क्या बनेगा? सेमी कार्ब एजोन, एजाइड से एजोन, वृद्धि क्या वो बोल? अरे बिंदास बोल। अच्छा देख लो फिर NH2 NHCO NH2 निकाल दो, H2 उखाड़ के फेंक दो H2 को, C डबल बॉन्ड N NH, यहां एजोन कर देना, सेमी कार्ब एजोन लिख देता हूं मैं। तो ये यहां पे खत्म हो गया एडिशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सब्स्टिट्यूशन। जिसके भी तीन टाइटल हैं यू नो, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फिर से बोलिए। हाँ एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट डेढ़ घंटे में खत्म, सब्स्टिट्यूशन के लिए शायद 5 लेक्चर लगे।
पढ़ा है तो क्या करें, जो है वो तो पढ़ाना तो पड़ेगा, मैं स्किप नहीं कर सकता। और अब तो मेरे पास है, मैं बिल्कुल स्किप नहीं करूंगा। हाँ हाँ राज की बात है, चिंता मत कर, मेरे को बुरा नहीं लगेगा तेरे जैसे ही हूँ। चलो फ्रेश हो गए, बातें हो गई, लेट्स गो आगे। हाँ बेटो आप आगे निकाल गए हो, आज ऐसा हो गया, ज्यादा हो गया तो बंद कर दो ना, कहीं पढ़ा तो आपको मच्छर ही देते हैं, इसमें से लिख देना। नेक्स्ट ये भाई ये भी करना, मेरा क्लास कर लिया प्लीज दूध वाले सीरियस है तो यू नीड टू कंट्रोल, वरना उनको बुरा भी लग सकता है। सर क्या कर सर, ऐसी नहीं होगी वो, हमको ऐसे ही देखते हैं, हम तो नहीं। नेक्स्ट जो है वो है, बस बेटा मेला नहीं है, आप मेला लग रहा बेटा हैं हैं। नेक्स्ट देखो ट्यूशन सब्स्टिट्यूशन क्या लिखा है यार, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशन जब पढ़ा तो हमने पढ़ा था सबस्ट्रेट के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। आप कोई भी यस, आप कोई भी एडिशन रिएक्शन हमने लिखा वो देखो, आप सबस्ट्रेट या तो हमने लिखा होगा अल्किन मतलब सी डबल बॉन्ड सी, या तो हमने लिखा होगा अल्काइन, ठीक है, और इन दोनों के अलावा हमने लिखा सी डबल बॉन्ड ओ, इसमें रिएक्शन पढ़ा हमने। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे इन जनरल डबल बॉन्ड में नहीं होता, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इन जनरल नहीं होता, फिर एक्सेप्शन क्योंकि आपको तो जैसे अल्किन ले लू मैं, प्रोपीन सोचो आप, प्रोपीन है क्या, प्रोपीन में जितने भी बॉन्ड है सब डबल बॉन्ड है, सिंगल भी तो है, तो वहां तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो प्रोपीन में एडिशन होता है, होता ही है एडिशन, एडिशन तो होता ही है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अच्छा प्रोपीन में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, हाँ क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, अरे वाह गुड यस। तो प्रोपीन या फिर ऐसे अल्किन जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो उनके अंदर सब्स्टिट्यूशन भी होगा और एडिशन भी होगा। अच्छा अब आप सोचो इथिन के बारे में, इथिन दो कार्बन डबल बॉन्ड, क्या यहाँ सी सी सिंगल बॉन्ड है, दोस्तों इथिन में कहाँ सी सी सिंगल बॉन्ड है बेटा, तो क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, नहीं, इसमें ऑलवेज एडिशन होगा। तो आप बोल सकते हो ऑलवेज एडिशन होगा, बट नॉट इन अल्किन,
इथिन, इथिन में ओनली एडिशन होगा, बट एल्किन में नहीं बोल सकते क्योंकि एल्किन में प्रोपीन भी तो है, और प्रोपीन में यहाँ क्या होगा एडिशन, और इसमें क्या होगा एडिशन। हाँ तो इन जनरल स्टेटमेंट आप ऐसा नहीं बोल सकते एल्किन जो है ऐसा सब्सटेंस जिसमें एडिशन होता है, क्योंकि प्रोपीन में सब्सटिट्यूशन भी होगा एडिशन भी होगा। Is that clear? तो सब्सटिट्यूशन होने के लिए एक आपको समझ आ गया, एक रिक्वायरमेंट है सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और हमें ये तो पता है हर एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड तो होता है ना, सिंगल इथेनॉल ले लो, एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ऐसे थे, सिंगल बॉन्ड तो होगा। तो ऐसा नहीं याद रखो सब्सट्रेशन कहाँ होगा, तो याद रखो हर एक जगह जहां सिंगल बॉन्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हर एक सब्सट्रेट जिसमें सिंगल बॉन्ड है इट इंटरगोज दिस ऑर्गेनिक रिएक्शन, दैट इज सब्सट्रेशन, बट नॉट इन अ केस ऑफ एडिशन, एडिशन में ऑलवेज डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर है? ग्रेट, चलो। तो सब्सटिट्यूशन के तीन टाइटल है, जैसे आपको बताइए सब्सटिट्यूशन तीन तरीके होते हैं, बोलो। सबसे पहला यस इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन, पहला टाइप लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म बेटा लिखेंगे ESR। अब मैं जो बोल रहा हूं लिखना मत, याद रखना अगर रहे तो, कि ESR इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है? तो कहीं लिख रहे हो तो जीके भी में लिखना, इसके साथ मत लिखना, कंटिन्यू जीके भी में लिख सकते हो कि ESR जनरली किसमें होता है, बेंजीन में। हाँ तो याद करो, जब मैं बोलू ना कि बेंजीन में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यू ऑलवेज से ESR हो रहा है सर, यू ऑलवेज से। बहुत सारे बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होता है, ऐसा उल्टा लिखा होता है, ऐसे रिएक्शन क्या लिखा होता है, तो वही फुल फॉर्म वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो दूसरा टाइप बताओ बेटा, यस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ट्यूशन 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 रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया NSR। बुक्स में SN रिएक्शन लिखा होता है, याद करेंगे बुक्स में लिखा होता है SN रिएक्शन, SN रिएक्शन ऐसे लिखा होगा, इसमें ऐसे रिएक्शन लिखा होगा बुक्स के अंदर, NCERT में आप देखोगे NCERT में ऐसे रिएक्शन, इस पर लिखा होगा SN रिएक्शन, ठीक। चलो और क्या बाकी रहा, लिखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ट्यूशन 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 रिएक्शन 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 FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो स्टार्ट विथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, because we already studied FRSR, we already studied in chapter number 13, 11th hydrocarbon, this one मैंने आपको पढ़ाया था, let's see आपको थोड़ा बहुत याद रखेंगे, देखते हैं। पहले ये आपको टाइटल समझ आ गया आपको, है ना, सब्स्टिट्यूशन एक रिएक्शन का टाइप है, और रिएक्शन को फैसिलेट करने के लिए, रिएक्शन को करने के लिए हमारे पास एक होना चाहिए कंपोनेंट, केमिकल होना चाहिए, that is called reagent। क्योंकि रिएक्टेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो सब्सट्रेट होता है और दूसरा रिएक्टेंट होता है, ठीक है ना, तो रिएक्टेंट नहीं रिएजेंट होता है, क्या होता है, हाँ। और रिएजेंट तीन टाइप के, एक तो इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेट्स गो, लिखो टाइटल में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे NAR नहीं पढ़ा हमने, हाँ NAR किसमें हुआ तो पता है, अब आपको याद है शायद कल आज पढ़ा तो, अल्काइन में किया पहले हमने, है ना, अल्काइन में किया, एक एक्सेप्शन था वो, और फिर NAR किसके अंदर होता है जनरली,
कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर होता है ना, ये सामने पढ़ा था ना। तो ऐसे ही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होगा जनरली, पहले तो सब्स्टिट्यूशन जनरली किस में होगा, एग्जैक्टली और सिंगल बॉन्ड, पूरे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन हाइड्रोजन हो, ऐसा कौन है, अल्केन, कार्बन हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन और सिंगल बॉन्ड, अच्छा सी सी सिंगल बॉन्ड अल्केन। तो याद रखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होगा, अल्केन में होगा, क्लियर है बेटा। चलो उसमें सबसे पहला रिएक्शन जो है हैलोजिनेशन ऑफ व्हाट, यस हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ व्हेनेवर वी राइट रिएक्शन ऑफ एनी सब्सट्रेट फर्स्ट विल टेक वेरी सिंपल सब्सट्रेट लेंगे, सबसे पहले बहुत सिंपल सब्सट्रेट लेंगे, जैसे अल्केन है तो अल्केन में सबसे सिंपल अल्केन कौन सा है, हाँ सो पब्लू सो इजी मीथेन, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। और ये अगर हमें इसका नाम अगर नहीं आ रहा तो हमें वापस से पढ़ना चाहिए एट्थ नाइन्थ, क्योंकि सी एच फोर अगर कोई नहीं बोल पता मीथेन मतलब खत्म लाइफ खत्म। हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का एडिशन, फ्री रेडिकल का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ट्यूब लाइट, सनलाइट हाँ होम आइटम सेपरेट होंगे, ऐसा तो नहीं होता, वेरी गुड। होमोलैटिक फिशन का मतलब सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, आप कोई भी बॉन्ड ब्रेक करो ना तो दोनों सेम इलेक्ट्रॉन लेके अलग होते हैं, ब्रेकअप तो पढ़ाया था मैंने, नहीं पढ़ाया था, हाँ बॉन्ड क्लेवेज को हमने ब्रेकअप देखने को लिखता हूँ, रुको इधर आप भूल को जल्दी जाते हो यार, नहीं याद तो कराना पड़ेगा भाई ऋषभ का याद है, ऐसा बोला नहीं था मैंने, फोर्थ चैप्टर में वो कम्युनिटी पोस्ट भी करा था, फोर्थ में भी करा था, अभी तक है कम्युनिटी पोस्ट में, हां चैप्टर में करा था, देखो ये है ये सही लिखा था इसमें, हां ये करता की था, और ये है ना बदल जाएगा सर डीपली, नहीं अभी रुक अभी मजा आएगा, इन दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये अपना गिफ्ट लेके और ये अपना गिफ्ट लेके अलग हो जाएंगे, सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट, यस चार्ज, अभी कहां चार्ज पड़ रहे थे गाइस, बोल रही का भाई दुख रहा है, अच्छा हुआ ही ग्रेट, गर्लफ्रेंड वाले देखो टीका लगा दे, कोई पसंद ना कर ले जो कम पर हो जाए वापस, चलो ठीक है समझ आ गया आपको, अच्छा ग्रेट। तो इसका मतलब सुनो, इधर आओ अब इधर अप्लाई करो केमिस्ट्री, वो तो ठीक है ऋषभ ने मजे ले लिए सबने, ऋषभ इधर आओ अब केमिस्ट्री के मजे लो, कहने का मतलब ये है अगर सी एच फोर का अगर कोई एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम दोस्तों, अगर ये हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं ना सुनो, क्योंकि सब सी एच बॉन्ड है, सीसी बॉन्ड तो है नहीं इसमें, अरे कार्बन ही है कि सीसी बॉन्ड कैसे होगा, तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक एच डॉट अलग होगा, एक सी एच थ्री डॉट अलग होगा, यस और नो, हाँ और एक्स टू में भी तो ऐसा होगा ना, एक एक्स डॉट अलग होगा दूसरा एक्स डॉट अलग होगा, तो ये एक्स डॉट हो गए कंबाइन, रिसर्व गड़बड़ हो गई, एच डॉट एक्स डॉट क्या बन गया एच एक्स, और सी एच थ्री डॉट और एक्स डॉट सी एच थ्री एक्स, ओवरऑल देखो बड़ा सिंपल है, एक एच निकल गया एक्स आ गया, तो एच का क्या हुआ
सब्स्टिट्यूशन किससे हुआ? एक्स के साथ। एक्स, हाँ एक्स से सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक्स के साथ सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। एच हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हेलोजन, अगेन हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हाँ थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, थ्रू फ्री रेडिकल, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज हुआ तब दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेते हैं। सर ये लिखी क्या करेंगे सर? दिल के अर रोना होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है? पहले सी एच फोर का नाम क्या है? इसका नाम हेलो मीथेन, हेलो मीथेन, हेलो मीथेन, ऐसा ठीक ना? अच्छा एच है यहाँ पे तीन एच ना, और हो सकता है हेलोजिनेशन, सो विल गेट डायलो मीथेन। डायलो मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? अरे दोस्त एक एच निकलेगा तब तो एक्स ऐड होगा, सी एच डायलो मीथेन का हेलोजिनेशन हो सकता है। हाँ क्या बनेगा वो? सी एच एक्स थ्री, इसका हेलोजिनेशन हो सकता है। एच तो है होगा ना, जब तक है तब तक निकालता रहो एच, क्या बनेगा सी एक्स फोर, क्या बनेगा हाँ टेट्रा हेलो मीथेन, जो ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है, ड्राई क्लीनिंग CCl4 पायरेट नाम है उसका, ठीक है चलो लिखते हैं फिर। पहले ये समझ आया आपको कि ऊपर से जा रहा है सब, वैसे तो नीचे से जाना चाहिए क्योंकि अभी मैंने जोरदार एकदम लिया था, फ्री हीट मिलेगा आ गया। यस चलो अभी तक देखो, तेरी आंखें क्यों ऐसी सिद्ध लेंस पहने तुमने? तो नींद आ रही है? उम्र नहीं है सर, पहने जापट पापट मारे को आसपास तो हो जाएगा ठीक। आपको नहीं मारनी, आपको खानी है सर, नींद आ रही तो उठ जाए। चलो एक्स मतलब क्या? हेलोजन, कौन सा हेलोजन? एफ, एफ कहाँ गया बेटा? एफ सी एल बी आर आई, तो यहाँ पे एफ टू ऐड कर सकते हैं ना, उसको बोलेंगे फ्लोरिनेशन। सी एल ऐड करेंगे तो बी आर आई आयोडिनेशन, फ्लोरिनेशन क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन आयोडिनेशन, समझ आ रहा है? इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो याद रखेंगे फ्लोरिनेशन इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, फ्लोरिनेशन इज फ्लोरिनेशन इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की जरूरत क्योंकि फास्ट है तो सनलाइट की जरूरत ही नहीं है, सनलाइट या एक्सटर्नल टेम्परेचर उस रिएक्शन में चाहिए जिसमें सबसे रिएक्शन कर नहीं रहा। यहाँ पे तो फ्लोरिनेशन बहुत फास्ट है, तो फ्लोरिनेशन में एरो पे डार्क लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लाइट की जरूरत ही नहीं है, ऐसे रिएक्शन हो जाएगा, समझ आ रहा है? तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे X2 is equal to F2 Cl2 Br2 I2, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोरिनेशन इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, देन F देन Cl देन Br देन I, नाम तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो इधर एक पॉइंट लिख दो, फ्लोरिनेशन इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, ऐसा लिख दो। ये ऐसा ड्रॉ मत करना भाई, ये ड्रॉ नहीं करना भाई, हाँ कोई सो रहा हो तो ड्रॉ कर दे, ऐसा मैं ड्रॉ किया हम ड्रॉ कर दिया। ATATSP-teen पर वो रेडियो एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा बोलते हो तो उसको यूज नहीं करेंगे हम। चलो फ्लोरिनेशन इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, लिखा आपने तो ऐसे लिखो सी एच फोर प्लस एफ टू, एरो पे क्या लिखोगे? डी ए आर के, हाँ तो क्या फॉर्म होगा? सी एच थ्री एफ प्लस, यहां से गैस निकल गया ना, एच एफ निकल गया, सी एच थ्री एफ आ गया, मीथेन से फ्लोरोमीथेन बन गया, क्लियर है? चलो आज का लास्ट रिएक्शन क्लोरिनेशन, मतलब चार रिएक्शन है, लास्ट टॉपिक क्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन तो समझ आ गया ना, कुछ नहीं करना फ्लोरिनेशन में, खाली डार्क लिखना है एरो पे,
और बहुत फास्ट हो गई है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो हेलोजिनेशन में पूछे एग्जाम में एल्केन का हेलोजिनेशन सबसे फास्ट क्या होगा, फ्लोरिनेशन। और इवन दो सनलाइट नहीं हुआ तो भी होगा, डार्क में होगा। अब हम कर रहे हैं क्लोरिनेशन, है ना। चलो फिर क्लोरिनेशन करते हैं, तो मीथेन लेंगे, अंदर डालेंगे क्लोरीन। यहाँ पे सनलाइट की जरूरत है क्योंकि थोड़ा स्लो रिएक्शन है फ्लोरिनेशन से। नाउ यू नो, अभी आपने बताया एक एच निकाल दो, एक सी एल निकाल दो, एच सी एल निकल गया, क्या बाकी रहा, सी एल सी एल थ्री सी एल लिखो, क्लोरोमीथेन 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 लिखा, गुड। चलो नेक्स्ट, क्लोरोमीथेन का क्लोरिनेशन करो, फिर चार स्टेप में करना है। CH3Cl plus Cl2, CH3Cl plus Cl2 in the presence of sunlight। चलो बेटा क्या निकाल देंगे, एक H, एक Cl, क्या निकल गया HCl, क्या बाकी रहा CH2Cl2, ये बना मेथिलीन क्लोराइड which is used as a paint remover which affects cornea if came in contact, methylene chloride MC, क्या बेटा, हाँ डाइक्लोरोमीथेन नाम है इसका, यस डाइक्लोरोमीथेन लिख सकते हो, मेथिलीन क्लोराइड लिख सकते हो, ये याद रखेंगे, पेंट रिमूवर है, पेंट रिमूवर। क्या लिखा आपने, पेंट रिमूवर, पेंट कंपनी ने नहीं यूज कर सकते, पेंट रिमूवर है ये। फिर मैंने बोला कॉर्निया को अफेक्ट करता है, फिर अगर ये कॉन्टेक्ट में आएगा तो रेड रैशेस उठाएंगे, रेड रैशेस स्किन पे, फिर नाउ मैं नॉलेज दे रहा हूँ, लिखना तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। फ्लोरोमीथेन माय डियर माय लव, ये मीथेन है, फ्लोरोमीथेन कितना सिंपल, तू मेरे से पूछ रहा है। चलो अच्छा, कुछ याद रहा, मैंने चार पॉइंट बोले, पेट रिमूव करता है, कॉर्निया को अफेक्ट करता है, रेड रैशेस आएंगे, और नर्व सिस्टम पे अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स सेंट्रल नर्व सिस्टम, नर्वस है और नर्वस रहेंगे तो अच्छा। इसमें और क्लोरीन डालो बुड्ढा, हमारे पास बहुत सारा क्लोरीन है, फैक्ट्री है हमारे पास, H दिखना नहीं चाहिए इधर, है ना, लिखो CH2Cl2 प्लस Cl CHCl3 क्लोरोफॉर्म है ये, अनकॉन्शियस करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, बेहोश करने के लिए, ऐसा लिखना मत, मतलब लिखना मतलब पेशेंट को लिखना, पेशेंट को नॉन कॉन्शियस करने के लिए, एनेस्थेटिक्स में यूज होता है ये, बट ये जनरल एनेस्थेटिक्स है, जनरल एनेस्थेटिक मतलब पूरी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाएगी, तो अभी लोकल एनेस्थेटिक यूज होता है, ईथर जहां ऑपरेट करना है उसी पार्ट को अनकॉन्शियस करेंगे, ठीक है। तो पहले ये यूज होता था, अभी यूज नहीं होता क्योंकि ये भी नर्व सिस्टम पे अफेक्ट करता है, और ज्यादा हो गया तो कोमा में चला जाएगा, और ज्यादा हो गया डेथ हो सकता है इससे, तो इससे नर्व सिस्टम पे बहुत वो अफेक्ट होता है, डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है इसके, तो इसलिए अभी क्या यूज होता है, ईथर, याद रखना, विद इज लोकल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक। चलो लास्ट सेक्शन, क्लोरोफॉर्म का क्लोरिनेशन करो, CHCl3 वृद्धि क्या हुआ इतना जल्दी, हो गया अकेले, अच्छा CCl4 plus HCl, इसका नाम है पायरीन, PYRENE, कार्बन टेट्राक्लोराइड तो बोल ही सकते हैं, दूसरा नाम है पायरीन, PYRENE, which is used in dry cleaning, which is used to prepare freons, और भी बहुत कुछ है पर बाद में, अभी नॉलेज बाद में दूंगा, अभी इतना 11th तो याद रखो, इतना मैं डर जाऊंगी सर, और डेमो में तो ऐसे लेक्चर में किसी को बुलाते ही नहीं, डर जाए आपका। और मैं आपको जल्दी ग्रुप के अंदर